तो अभी आप व्हाट्सएप पे कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट मैसेज सामने वाले को भेजते होंगे जो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज को कुछ अलग तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते समय फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस बने रहना वीडियो को एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या इसके बारे में वीडियो को लास्ट में बता दूंगा आप लोग सर्च करके कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एक तरह से दोस्तों ये कीबोर्ड है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है, दोस्तों काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया है, काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन दोस्तों प्रैक्टिकल अपने फ़ोन में यूज करना, 10 मिलियन+ इसके यूजर है एप्लीकेशन के। जी हाँ दोस्तों एक तरह से दोस्तों ये कीबोर्ड है, एप्लीकेशन है। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ समय वेट करना होगा, यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, इनेबल कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसे ऑन कर देना होगा, तो यहाँ से इसे ऑन कर देंगे, एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये ऑन हो चुका है, उसके बाद बैक चले जाना। तो दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन में अभी डिफ़ॉल्ट है तो दोस्तों उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर देना। जी हाँ, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सेट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डन बटन पर आपको क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है, अलाउ बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों बस इतना ही इस एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस कीबोर्ड कैसे यूज करना है, मैसेज करते समय फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हैं मैसेज कैसे करना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड चेंज हो चुका है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड चेंज हो चुका है, दोस्तों उसी एप्लीकेशन का कीबोर्ड है। दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज करके मैसेज करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हो वो मैसेज लिखने से पहले आप ए वाले पे आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे उस पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, काफ़ी सारे फॉन्ट है, आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कोई भी एक फॉन्ट जो आपको अच्छा लगे। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों ए पे क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा दोस्तों आप फॉन्ट जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज लिखने से पहले आप ए पर क्लिक करके आप फॉन्ट को चेंज करेंगे और तब आप मैसेज को लिखकर सेंड करेंगे। ये तो दोस्तों आप समझ गए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ ये कीबोर्ड में एक ऐसे इमोजी भी देखने को मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, नॉर्मल कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते इमोजी पर दबा कर रखने बाद कुछ इस प्रकार से इमोजी सेंड हो जाता है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इमोजी सेंड हो जाता है जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। सामने वाले बंदा बिल्कुल ही देखकर चौंक जाएगा और आपसे पूछेगा भाई ये तूने कैसे इमोजी सेंड किया। जी हाँ, काफ़ी सारे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये कीबोर्ड में काफ़ी सारे ऑप्शन है, प्रैक्टिकली यूज करना दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना होगा, एप्लीकेशन का नाम लोगो सब कुछ आपके सामने, सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है, तो आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।